Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and today is day 13. और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बहुत सिंपल से टॉय डेटा सेट के ऊपर एंड टू एंड मशीन लर्निंग का प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में क्या होगा कि मैं एक टॉय डेटा सेट को लूंगा, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन परफॉर्म करूंगा, बिकॉज हम जो प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे वो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, और उसके बाद हम उस मॉडल को ट्रेन करने के बाद, उसको इवेल्युएट करने के बाद उसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में काम करोगे किसी कंपनी के लिए या फिर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए, तो वहां पे जो डेटा सेट आपके पास होगा वो बहुत ही मेसी होगा, बड़ा होगा और रियल वर्ल्ड बेस्ड होगा, तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हम लोग ग्रेजुअली इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं, बट आज का वीडियो विल जस्ट गिव यू दिस बर्ड्स आई ओवरव्यू कि होता क्या है पूरा प्रोसेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, मैंने गूगल कोलैब ओपन कर रखा है और गूगल कोलैब में मैंने अपना खुद का बनाया हुआ एक टॉय डेटा सेट भी अपलोड कर रखा है। इसका नाम है placement.csv, ठीक है। अब आपको शायद नाम से समझ में आ गया होगा, ये वही डेटा सेट है जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। इसमें तीन मेजर कॉलम्स हैं, IQ, CGPA और स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है और मेरा एंड गोल इज कि मुझे एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाना है, प्रिडिक्टिव मॉडल बनाना है, जिसमें अगर मैं एक नए स्टूडेंट का CGPA एंड IQ अगर देता हूं तो वो मॉडल मुझे बताएगा कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस डेटा सेट से उस मॉडल तक हम कैसे पहुंचेंगे, यही हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने दो लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया जिनकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी, और इसीलिए मैंने आपको बोल भी रखा है कि आप मेरे चैनल से जा करके ये दोनों प्लेलिस्ट एक बार देख लो। बहुत डिफिकल्ट नहीं है दोनों लाइब्रेरीज, इनफैक्ट बहुत सिंपल है, बट इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा मशीन लर्निंग में, ठीक है। तो मैंने इन दोनों लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लिया, इनफैक्ट मैं आपके सामने फिर से रन कर लेता हूँ चीज़ें। उसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी पास्ट किया और pd.readcsv जो हमारा फंक्शन होता है CSV फाइल्स को रीड करने का, वहां पे मैंने इस पाथ को डाल दिया। और ये जो पैंडास डेटा फ्रेम है उसको मैंने df बोल के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब अगर आप कभी भी किसी पैंडास डेटा फ्रेम का ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आपके पास एक फंक्शन होता है df.head, मैंने उसी को कॉल किया और वो करने से मुझे पता चला कि मेरे पास ये एक डेटा सेट है। अब यहाँ पे ये तीन कॉलम्स तो काम के हैं, ये कॉलम अननेसेसरी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्री प्रोसेसिंग करके इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में इस तरह का काम आपको बहुत करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसका शेप जो है वो है 100x4, मतलब कि 100 रोज है, 4 कॉलम्स है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर हम एग्जैक्टली ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, प्री प्रोसेसिंग का मतलब अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं या फिर आउटलायर्स हैं या फिर ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, तो इस तरह की चीजों को आप रिमूव करते हो और अपने डेटा को बेसिकली प्रिपेयर करते हो एल्गोरिदम को देने के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप EDA करते हो, EDA मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके डेटा के अंदर क्या छुपा है उसका आइडिया लेते हो, सो दैट आप बेटर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर पाओ, ठीक है। फिर आप फीचर सिलेक्शन करते हो, आप सारे के सारे कॉलम्स को जनरली यूज नहीं करते इनपुट में, ऑल्दो यहाँ पे हम सारे करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद वंस यू आर श्योर कि मेरे पास यही कॉलम्स और इतना ही डेटा एल्गोरिदम को देना है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हो, आप अपना इनपुट और आउटपुट कॉलम्स को अलग कर लेते हो, दैट इज योर सेकंड स्टेप, ठीक है। इन द थर्ड स्टेप आप वैल्यूज को स्केल करते हो, वैल्यूज को स्केल करने का मतलब है मान लो ये दो आपके इनपुट कॉलम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो CGPA है वो 0 से लेकर 10 के रेंज में है,
और IQ जो है वो प्रोबेबली 50 से 150 के रेंज में होगा, ठीक है। अब ये तो फिर भी ठीक ठाक रेंज है। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास इस तरह के कॉलम्स होंगे जहां पे ये रेंज बहुत वेरी कर रहा होगा, जैसे कि एज और सैलरी। एज आपका 0 से 100 के बीच में, सैलरी आपका लाखों में पहुंच सकता है। तो कुछ एल्गोरिदम्स जो होते हैं मशीन लर्निंग में, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप एक्स वाई आपका इतना वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा बड़े आ जाते हैं और उनका कुछ मीनिंग नहीं होता। इसीलिए मशीन लर्निंग में हमेशा बोला जाता है कि आप अपने सारे इनपुट कॉलम्स के वैल्यू को एक रेंज में ले आओ, जनरली -1 से 1 के बीच में। वही हम यहाँ पे करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बोल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, ठीक है। इसको क्रॉस वैलिडेशन भी बोला जाता है। बेसिकली द आइडिया इज सिंपल कि मैं अपने 100 स्टूडेंट्स के डेटा के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर लूंगा, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मॉडल सही से ट्रेन हुआ कि नहीं। दो तरीके हैं। आप एक नए स्टूडेंट को बुलाओ, उससे पूछो कि तुम्हारा IQ CGPA क्या है, अपने मॉडल को दो, आपका मॉडल प्रिडिक्शन करेगा, और फिर उससे पूछो कि सही बताया कि नहीं। बट इसमें तो गड़बड़ है ना, मतलब आप शुरू में वेबसाइट पर डाल दिए अपने मॉडल को विदाउट इवन चेक किए, अब स्टूडेंट्स चेक कर रहे हैं उस वेबसाइट पर कि रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं, तो ये तो गलत है ना। मतलब मेरा बोलने का ये है कि आप अगर वेबसाइट पर डिप्लॉय कर रहे हो अपने मॉडल को, तो आपको पहले इवेल्युएट कर लेना होगा, तब कस्टमर्स को देना होगा, नॉट द अदर वे अराउंड। आप ऐसा नहीं करोगे कि कस्टमर्स को दे के बोलोगे कि तुम टेस्ट करके बताओ सही से काम कर रहा है कि नहीं, राइट। तो होता क्या है कि आप अपने इन 100 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स का डेटा छुपा लेते हो, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स का, रैंडमली कोई भी 10 स्टूडेंट्स का डेटा आप छुपा लेते हो, ठीक है, और वो मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं देते ट्रेन करने के लिए। तो आप मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो सिर्फ 90 स्टूडेंट्स के डेटा पे, जिसको हम ट्रेनिंग सेट बोलते हैं, और जो 10 स्टूडेंट्स का डेटा हमने छुपा दिया उसको हम टेस्टिंग सेट बोलते हैं। तो मेरा जो मॉडल ट्रेन होगा वो 90 स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बेसिस पे होगा, ठीक है। और फिर अगर मुझे इवेल्युएट करना है कि वो सही से सीखा कि नहीं, तो अब मैं इन 10 स्टूडेंट्स का डेटा अपने मॉडल को दूंगा और मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ इन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। अब मेरे को यहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे मॉडल से, और मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट्स भी हैं, राइट। मैं उन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कर लूंगा। मान लो 10 स्टूडेंट्स में से 10 के 10 में मेरे मॉडल ने सही बताया, तो इसका मतलब मेरे मॉडल का एक्यूरेसी इज 100%। अगर 10 में से सिर्फ 5 सही बताया, मेरे मॉडल का एक्यूरेसी इज 50%, तो मुझे पता चल गया गड़बड़ है और मैं उसको और इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा, तो ठीक है। तो दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं, और इसमें और भी कई स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम लोग इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग सबसे सिंपलेस्ट वाला करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो वंस यू हैव डन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, आप ट्रेनिंग सेट को यूज करके अपने मॉडल को ट्रेन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपने मॉडल को इवेल्युएट करोगे। कभी कभी आप क्या करते हो, आप मल्टीपल एल्गोरिदम्स के ऊपर अपने डेटा को ट्रेन करते हो, और फिर उन मल्टीपल एल्गोरिदम्स में से जो एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको चूज करते हो, उसको हम मॉडल सिलेक्शन भी बोलते हैं, बट वो हम इस वीडियो में नहीं कर रहे, वो आगे का टॉपिक है, बट ये भी किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज, वंस यू आर श्योर कि मेरा मॉडल सही से काम कर रहा है, आप उसको उठा के एक वेबसाइट में इंटीग्रेट कर देते हो और फिर उस वेबसाइट को सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं। दिस इज द एंड टू एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हमने काफी डिस्कशन कर लिया। अब प्री प्रोसेसिंग के नाम पे गाइस मुझे सिर्फ एक ही काम करना है यहाँ पे, और वो काम ये है कि मुझे इस कॉलम को हटाना है, क्योंकि ऑनेस्टली यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। मैं आपको झट से दिखा सकता हूँ ये कैसे। अगर आपने थोड़ा भी पैंडास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा वहां पे इन्फो बोल के एक फंक्शन होता है जो मुझे हर कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो यू कैन सी यहाँ पे 100 नॉट नल वैल्यूज है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड वाले में भी 100 नॉट नल वैल्यूज है, और थर्ड वाले में भी 100 नॉट नल वैल्यूज है। सो बेसिकली इस डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आप डेटा टाइप्स भी देख सकते हो, ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि डेटा डुप्लीकेटेड है कि नहीं, ये सब हम करेंगे। मैं अभी आपको बस ये अश्योरेंस दे रहा हूँ, इस डेटा में कोई गड़बड़ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि यहाँ पे एक फालतू का कॉलम आया हुआ है। तो प्री प्रोसेसिंग के नाम पे हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप करने वाले हैं, और वो ये है कि हम इस कॉलम को रिमूव कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे, आपको बस ये कोड लिखना है। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, आपको पैंडास थोड़ा सीखना पड़ेगा, बिकॉज पैंडास इज लाइक द बेसिक टूल जिसको यूज करके आप मशीन लर्निंग करते हो। मैं वीडियोस जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आप देख लेना। आपने सिंपली ये लिख दिया कि मुझे मेरे ओरिजिनल डेटा सेट में से सारे रोज चाहिए, बट मुझे जो कॉलम्स चाहिए वो 1 ऑनवर्ड्स चाहिए। सो ये 0th कॉलम है, 1 ऑनवर्ड्स का मतलब ये सब कुछ चाहिए और सारे रोज चाहिए। तो जैसे ही मैं ये कोड रन करूंगा और फिर मैं दोबारा से डेटा का प्रीव्यू लूंगा, यू कैन सी अब जो मेरे पास डेटा है वो वही डेटा है जो मुझे चाहिए,
ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग वाला स्टेज तो हमने कर लिया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईडीए। तो ईडीए में यहां पर कुछ खास है नहीं, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शो यू ये डेटा कैसा दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक और लाइब्रेरी का हेल्प लेना पड़ेगा, ये एक ग्राफिंग प्लॉटिंग लाइब्रेरी है, बहुत फेमस है, इसका नाम है मैटप्लॉटलिब, शायद आपने नाम सुना भी होगा। अगेन मेरे चैनल पे इसके ऊपर भी वीडियोस हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ बिटवीन बिटवीन दिस कॉलम एंड दिस कॉलम। एक्स एक्सिस पे सीजीपीए जाएगा, वाई एक्सिस पे आईक्यू जाएगा, और मेरे सारे स्टूडेंट्स एक डेटा पॉइंट बन जाएंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीजीपीए और यहाँ पे लिख रहा हूँ आई क्यू, और इसको मैं रन कर रहा हूँ, यू कैन सी ये रहे मेरे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा टॉय डेटा सेट है तो इग्नोर मारना, यहाँ पे कुछ मैड जीनियसेस भी हैं 225 आई क्यू वाले, तो इग्नोर देम। बट यू कैन सी 9 तक सी जी पी ए जा रहा है, आई क्यू बहुत ऊपर तक जा रहा है, 50 से आई क्यू स्टार्ट हो रहा है, और या दिस इज द डेटा सेट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन स्टूडेंट्स में से किसका प्लेसमेंट हो गया किसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उसके लिए बहुत छोटा सा मुझे कोड लिखना है, कलर इज इक्वल टू डी एफ प्लेसमेंट कॉलम, जो मेरा थर्ड कॉलम है, मैं कलर कोड कर रहा हूँ उसको। और अगर मैं इसको अगर रन करूँ तो देखो गाइस ये रहा मेरा डेटा। सो यहाँ पे जो येलो वाले बंदे हैं इनका प्लेसमेंट हो गया, और ये जो ब्लू वाले बंदे हैं इनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा सेट अवेलेबल है वो ऐसा दिखाई देता है। अब मेरा काम क्या है कि मुझे एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जो इस डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न को समझ पाए, ठीक है। अब मैं जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाने वाला हूँ वो मशीन लर्निंग मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ वेरी फेमस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो डेटा को क्लासिफाई करता है, ठीक है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे काम करेगा ये पूरा चीज। लेट्स से आपके पास ये डेटा है, ये आपके पास डेटा है, ठीक है, और आपके पास जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं, और ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके प्लेसमेंट हो गए वाले पॉइंट्स हैं, राइट। अब हमारा जो एल्गोरिदम है विच इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो क्या करता है कि वो डेटा को काटता है यूजिंग अ लाइन। अब इतना अच्छा लाइन बना नहीं, बट आप ऐसे समझो कि एक एक ऐसा लाइन खोजेगा जो इन दोनों क्लासेस को सेपरेट करेगा, ठीक है। तो अगर आपके डेटा में एक लीनियर बिहेवियर है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों क्लासेस को आप एक लाइन से सेपरेट कर सकते हो, तो इस तरह के सिनेरियोज के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ गुड कैंडिडेट, एक अच्छा एल्गोरिदम है ये, ठीक है। तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑटोमेटिकली इस डेटा में घुस करके इस लाइन को खोज लेगा। अब वो डिसाइड करेगा कि ये लाइन क्यों नहीं है या ये लाइन क्यों नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। अब ये कैसे कर रहा है इंटरनली काम, ये आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में डिटेल से पढ़ के समझ में आएगा। अगेन वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हो। बट अभी इस पॉइंट पे उसका कंसर्न आप हटा दो अपने दिमाग से, अभी लेट्स फोकस ऑन दिस। हम फ्लो देख रहे हैं, हम एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है वो नहीं देख रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी आवर कंसर्न, ठीक है। ये मेरा डेटा है, इसके ऊपर मुझे एल्गोरिदम लगाना है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा ईडीए वाला स्टेज। ईडीए करने से मुझे समझ में आ गया कि चलो मेरा डेटा लीनियर है, एटलीस्ट मैं इसके क्लासेस को लीनियरली सेपरेट कर सकता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यही होता है ईडीए का काम, कि आपको थोड़ा सा आइडिया देता है चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे और कुछ ईडीए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है। अब आपके पास थर्ड स्टेप होता है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन में आप कुछ करोगे नहीं एक्चुअली, आप दोनों कॉलम्स को ही रखोगे। फीचर सिलेक्शन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, हम आगे देखेंगे, अभी हम लोग फीचर सिलेक्शन को इग्नोर मार के चल रहे हैं बिकॉज हम टॉय डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम स्टेप वन पे मूव कर रहे हैं, वी विल एक्सट्रैक्ट आर इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स, ठीक है। सो मैं किसी तरीके से डेटा में इन दोनों चीजों को अलग कर लूंगा और इसको अलग कर लूंगा, ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर। और इन दोनों को इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा अजम्पशन लेके हम चलते हैं मशीन लर्निंग में कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है कैपिटल X, जिसके अंदर हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये पूरा डेटा रखेंगे, ये जो पूरा डेटा है 6.8123, ये पूरा डेटा हम रखेंगे 100 स्टूडेंट्स का, ठीक है। क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, आप लिखोगे df डॉट ILOC
मुझे सारे रोज चाहिए, बट मुझे कॉलम्स जीरो से लेके टू तक चाहिए। जीरो से लेके टू तक मतलब जीरो और वन, टू नहीं आएगा, ठीक है? तो जीरो कौन सा है? जीरो ये है, वन ये है, तो हमें बस ये दोनों कॉलम्स मिल गए और सारे रोज मिल गए, राइट? और यहाँ पे आएगा वाई इज इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉक, सारे रोज चाहिए और माइनस वन वाला कॉलम चाहिए। माइनस वन वाला कॉलम मतलब लास्ट कॉलम, ठीक है? और इस कोड को मैं रन कर दूंगा, और अब अगर मैं आपको एक्स रन करके दिखाऊं, सी ये रहे हमारे एक्स, ठीक है, 100 रोज 2 कॉलम्स। और अगर मैं आपको वाई प्रिंट करके दिखाऊं, सी यहां पर आपके पास जो शेप है दैट शुड बी 100। सो दिस इज अ 1D टेंसर, वेक्टर है ये, एंड दिस इज अ 2D टेंसर, मैट्रिक्स है ये, ठीक है? आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्केल द वैल्यूज, ठीक है? बट ये स्टेप मैं एक्चुअली ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद करूंगा। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं स्केलिंग पहले कर दूंगा तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि कौन से रोज ट्रेनिंग सेट में गए, कौन से रोज टेस्ट सेट में गए, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज मैं आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ, मैं पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू इज फॉर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आई विल इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। वहां पे एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है? और ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन में आपको बस तीन चीजें देनी होती हैं। फर्स्ट आपका एक्स, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपका वाई, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपको एक चीज बताना पड़ता है कि आपका टेस्ट साइज कितना होगा, मतलब ट्रेनिंग डेटा में कितना परसेंट डेटा जाएगा, टेस्ट डेटा में कितना परसेंट डेटा जाएगा। सो अगर मैंने टेस्ट साइज 0.1 लिखा, इट मीन्स मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ कि मेरे एक्स और वाई में से 10% जो डेटा है आउट ऑफ 100, बेसिकली 10 रोज, वो टेस्ट में चले जाएंगे और बाकी के 90 रोज ट्रेनिंग में चले जाएंगे, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी ये इसने स्प्लिट मार दिया, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो चीज दिखाई दे रही है ये है आपका एक्स ऑफ ट्रेनिंग सेट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका एक्स ऑफ टेस्ट सेट, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका वाई ऑफ ट्रेनिंग सेट, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका वाई ऑफ टेस्ट सेट, ठीक है? तो ये चार चीजों को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चार वेरिएबल्स में स्टोर कर सकता हूँ लाइक दिस। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा मेरा एक्स ट्रेन। सो यू कैन सी रैंडमली कोई भी रो उठ करके आपका ट्रेनिंग डेटा में चला गया, 90 रोज 2 कॉलम्स। और अगर आप वाई ट्रेन लिखोगे तो भी आपको 90, यहाँ पे देख रहे हो लेंथ 90, 90 लोगों का आपके पास प्लेसमेंट हुआ या नहीं इसका डेटा। सो बेसिकली इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, ये है, हो गया, ठीक है? इस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ कि नहीं वो ये है, थर्ड नंबर वाला नहीं हुआ, ठीक है? तो उस बंदे का कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसमेंट वाला डेटा भी मेरे पास है, और सेम चीज एक्स टेस्ट के साथ भी हुआ। एक्स टेस्ट का अगर आप बात करो तो इसमें ये 10 रैंडम रोज है, सी ये 10 रैंडम स्टूडेंट्स है, और इनका 10 कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेसमेंट होगा या नहीं वो वाई टेस्ट के अंदर है। सो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया, ठीक है? अब बस मुझे एक काम करना है, मुझे इन वैल्यूज को स्केल करना है -1 से 1 के रेंज में, सो दैट मतलब ऐसा जरूरी नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, हर बार स्केलिंग करना उतना जरूरी नहीं है, बट कर लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? तो स्केलिंग कैसे करते हैं, इसके लिए फिर से आप sklearn में घुसोगे और वहां से प्री प्रोसेसिंग में जाओगे। वहां पर आपके पास एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, और अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली चीजों को स्केल कर देना है। कैसे, हम लिखेंगे एक्स ट्रेन इज इक्वल टू स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है? फिट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, पहले समझेगा डेटा में क्या है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है? और यहां पे मैं वापस एक्स ट्रेन को ही डाल दे रहा हूं, और अब अगर मैं एक्स ट्रेन को रन करूं तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये देखो ट्रांसफॉर्म हो गया, ये सारी वैल्यूज आपकी -1 से 1 के बीच में होंगी, ठीक है?
अब सिंस अब वो डेटा फ्रेम से एरे बन गया, तो यहाँ पे रो नंबर समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा स्टूडेंट नंबर है, जैसा यहाँ पे समझ में आ रहा था। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार के आपको दिखा दिया, फिर उसको स्केल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मुझे सेम चीज क्या करना पड़ेगा, एक्स टेस्ट के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई वुड राइट एक्स टेस्ट इज इक्वल टू स्केलर डॉट, इस बार मैं ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा क्योंकि पैटर्न मैंने ट्रेनिंग के टाइम ही समझ लिया, दोबारा फिट करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं एक्स टेस्ट पास कर दूंगा, और ये रहा गाइस मेरा एक्स टेस्ट, ये रहा मेरा एक्स टेस्ट, सारी वैल्यू स्केल्ड है। ठीक है, सो हम यहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर यूज करेंगे, तो वी विल फर्स्ट कॉल दैट क्लासिफायर फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। इसी के अंदर हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला क्लास है। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर आपको यूज करना है तो वो यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, clf लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑब्जेक्ट। अब ये clf जो है इसके पास पावर्स हैं उन फंक्शंस को एक्सेस करने का जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास के अंदर है। ठीक है, और वहीं पर एक फंक्शन होता है फिट, और फिट को ही आप यूज करते हो मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, बस आपको क्या प्रोवाइड करना है, अपना ट्रेनिंग डेटा, और आपका ट्रेनिंग डेटा क्या है, एक्स ट्रेन हमने अलग बना लिया था और हमारा वाई ट्रेन। एंड दिस इज द ट्रेनिंग स्टेप गाइस, मैं यहाँ पे इनफैक्ट लिख देता हूँ, दिस इज मॉडल ट्रेनिंग। आप मशीन लर्निंग में ऐसे ही मॉडल को ट्रेन करते हो। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो सिंस ये बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं है, मॉडल तुरंत ट्रेन हो जाएगा, मॉडल इनफैक्ट ट्रेन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में रहता है कि अरे मॉडल ट्रेन होना कुछ बहुत सही चीज होगी, देखने में मजा आएगा। ऐसा नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी बोरिंग, झट से हो जाता है अगर छोटा डेटा सेट है। बड़े डेटा सेट में थोड़ा मजा आता है, न्यूरल नेटवर्क्स में थोड़ा और मजा आता है क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, बट यहाँ पे उतना मजा नहीं आता, तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, मतलब डिसअपॉइंटिंग लगता है। बट या दिस इज ट्रेनिंग स्टेज राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप में अपने मॉडल को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट द मॉडल। ठीक है, और मॉडल इवेल्युएशन कैसे होता है, मॉडल इवेल्युएशन में सिंपली आप एक्यूरेसी निकाल लेते हो। ठीक है, किस चीज के ऊपर, टेस्ट वाले डेटा के ऊपर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लिखोगे clf डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है प्रिडिक्ट, इसमें अगर आप एक नया डेटा पास करो, मैं एक्स टेस्ट पास कर रहा हूँ जिसमें सारे छुपाए हुए स्टूडेंट्स का इनपुट वैल्यूज है, और इसको मैं जैसे ही रन करूंगा, ये देखो ये है मेरे मॉडल का प्रिडिक्शन। और अगर मैं वाई टेस्ट लिखूं साइड बाय साइड, तो ये है उन स्टूडेंट्स का एक्चुअल रिजल्ट की प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। जैसे पहले वाले के केस में मेरा जो स्टूडेंट है उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, मेरा मॉडल भी बोल रहा है प्लेसमेंट नहीं होगा उसका। सेकंड वाले का प्लेसमेंट हो गया बट मेरा मॉडल बोल रहा है नहीं होगा, तो यहाँ पे उसने गलती की। तो अब बस मुझे क्या करना है, मुझे साइड बाय साइड कंपेयर कर लेना है कि कितने सही प्रिडिक्शंस किए मेरे मॉडल ने, और मुझे एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट कर लेना है। अब आप ये चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, साइकिट लर्न को यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने क्या किया, जो भी ये वैल्यूज थी उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, वाइप्रेट। अब वाइप्रेट और वाई टेस्ट दोनों का शेप बराबर है, मुझे बस क्या करना है, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है जो कि मैट्रिक्स के अंदर है, उसका नाम है एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी स्कोर। और ये एक्यूरेसी स्कोर में आपको कुछ नहीं करना होता, सही वाला जो डेटा है वो बताना होता है और आपका प्रिडिक्शन बताना होता है, और ये आपको ऑटोमेटिकली आपका एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे इन आर केस द एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 90%, मतलब अगर आपने इसको 10 इनपुट्स दिए तो ये आपको 10 में से 9 सही प्रिडिक्शन करके दे रहा है और एक में ही गलती कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो ये है कि हाउ टू प्लॉट द डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री का मतलब मशीन लर्निंग मॉडल ने क्या पैटर्न नोटिस किया पैटर्न आपके डेटा में, उसको अगर आपको विजुलाइज करना है तो वो आप डिसीजन बाउंड्री को यूज करके विजुलाइज कर सकते हो। इसके लिए आई एम गोइंग टू यूज अ लाइब्रेरी कॉल्ड ML Extend। ठीक है, आप चाहो तो ये कोड खुद से भी लिख सकते हो, बट सिंस वी आर बिगनर्स अभी ये कोड हम खुद से नहीं लिखेंगे, यू हैव टू सिंपली इम्पोर्ट दिस लाइब्रेरी ओवर हेयर लाइक दिस, और आपको बस ये कोड कॉपी करना है ओवर हेयर। यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, एक्स के बदले एक्स ट्रेन आ जाएगा, और उसको हम नंपाई एरे में कन्वर्ट कर देंगे बाय पुटिंग डॉट वैल्यूज,
और वाई ट्रेन, ठीक है। इनफैक्ट एक्स ट्रेन मेरा ऑलरेडी नंबर यारे बन चुका था क्योंकि मैंने उसको स्टैंडर्ड स्केलर में डाल दिया था, और वाई ट्रेन अभी नहीं बना था तो इसको मैं वैल्यूज कर दूंगा। और मेरे क्लासिफायर का नाम है क्लासिफायर, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी गाइस, दिस इज द डिसीजन बाउंड्री। मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने इस लाइन को पकड़ा इस डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। तो यू कैन सी थोड़ी गलतियां कर रहा है, ये दो ऑरेंज पॉइंट्स ब्लू रीजन में है, गलती कर रहा है यहाँ पे, ये तीन चार गलतियां यहाँ भी कर रहा है। सो दैट इज वाई हमारा एक्यूरेसी इज कमिंग आउट टू बी 90%। बस बट या दिस इज हाउ द एल्गोरिदम इज सीइंग दिस डेटा, ठीक है। और उसने यही मॉडल बनाया, ठीक है। अब दिस इज द लास्ट स्टेप। इफ यू आर कंफर्टेबल, आपको सही लग रहा है ये मॉडल का परफॉर्मेंस, तो अब आपको कुछ चेंजेस नहीं करने। अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप पीछे जाकर के किसी भी स्टेप में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, जो कि आप करते भी हो। बट सिंस हमें अभी मॉडल को सेलेक्ट नहीं करना, हमारे पास जो भी मॉडल है उसको चुपचाप से वेबसाइट में कन्वर्ट करके डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। अब हमें बस लास्ट स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ से मॉडल को उठाना होता है, इस मॉडल को उठाना होता है। और मॉडल को उठाने का एक बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक लाइब्रेरी को कॉल करना होता है पिकल बोल के। पिकल क्या करता है, पिकल पिकल के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पिकल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, आई होप आपको पाइथन आता है थे सही से, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को वो फाइल में कन्वर्ट कर देता है। और उस फाइल को उठा करके आप किसी भी और इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज द होल आइडिया। मैं आपको एक बार पिकल डंप करके दिखाता हूँ, मुझे कौन सी फाइल किस किस ऑब्जेक्ट को करना है, सीएलएफ को एक्सपोर्ट करना है, और मैं उसको एक फाइल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ जिसका नाम है मॉडल डॉट पीकेएल। और मैं ये जो फाइल ओपन कर रहा हूँ राइट बाइनरी मोड में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे ही रन करूंगा यहाँ पर ये वाला मॉडल आ गया, यही मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है गाइस। अब इसके पास अभी भी प्रिडिक्ट बोल के एक फंक्शन है, तो मैं बस क्या करूंगा इसको उठा करके मेरी वेबसाइट में ले जाके डिप्लॉय कर दूंगा। अब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तो वो मैं अभी आपको करके नहीं दिखा रहा, वो मैं इस प्लेलिस्ट के लास्ट में आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा दो तीन अलग अलग तरीके से। बट अभी मैं बस आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि अगर आप इसको सही से करते हो एक वेबसाइट में इंटीग्रेट तो आउटपुट कैसा आता है। सो ये मैंने एक वेबसाइट बना रखा है इस वीडियो के पहले ही। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जा रही है, फर्स्ट आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट, सेकंड सीजीपी ऑफ द स्टूडेंट। और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज दो, ये आपको प्रिडिक्ट करके बताएगा कि उस स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। और लेट्स से मैंने आईक्यू डाला 100 और मैंने सीजीपीए डाला 9, और अब मैंने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया, देखो ये बोल रहा प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से मैंने बोला कि 100 का आईक्यू बट उसका सीजीपीए बस 2 है, प्रिडिक्ट पे क्लिक किया, देखो बोल रहा प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ 7, प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर मैं आईक्यू घटा दूं लेट्स से 80 कर दूं, अभी भी प्लेसमेंट हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं 50 कर दूं, अभी भी हो जाएगा, मतलब सीजीपीए के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है चीजें। लेट्स से मैंने बोला 2 है आईक्यू, अरे अभी भी हो जाएगा, दिस इज वियर्ड। तो इसका मतलब अगर आप 7 के ऊपर हो तो प्लेसमेंट हो ही जा रहा है, प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। जो भी है गाइस, इस पॉइंट पे हम लोग का कंसर्न ये नहीं है कि कैसे परफॉर्म कर रहा है हमारा मॉडल, क्योंकि हमने मॉडल को फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिया है, सेकंड हमने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन नहीं किया है, मतलब इम्प्रूव नहीं किया है, तो परफॉर्मेंस के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे। मैं आपको एंड टू एंड फ्लो दिखा रहा था। अब बस यही वेबसाइट को आपको उठा करके किसी सर्वर पे डाल देना है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो आप हेरोकू के ऊपर जा सकते हो, हेरोकू इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हो, और या फिर आप AWS पे जा सकते हो, Amazon वेब सर्विसेज, यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। या आप GCP पे जा सकते हो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इन तीनों में से आप कोई भी सर्विस यूज कर सकते हो, तीनों ही बहुत अच्छा है। आई प्रेफर हेरोकू बिकॉज इसमें आप पांच अपने एप्लीकेशंस फ्री में होस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे मेरे कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी होस्टेड भी हैं। और AWS में आपको 1 साल तक पैसा नहीं देना पड़ता, गूगल में भी शायद आपको कुछ दिनों तक पैसा नहीं देना पड़ता। ये सब हम पढ़ेंगे, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे डिप्लॉय करना है अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को, ये हम पढ़ेंगे, बट आज हम नहीं कर रहे ये। मैंने बस आपको वेबसाइट बना के दिखा दिया। इस प्लेलिस्ट के लास्ट में मैं इस तरह की वेबसाइट को डिप्लॉय करके भी दिखाऊंगा इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इस एंड टू एंड मशीन लर्निंग का एक टॉय एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया,
एकदम डेटा सेट से उठा करके एक वेबसाइट तक उस चीज को कैसे कन्वर्ट करना है उसका हमने एक आइडिया लिया। हमें हर चीज समझ में नहीं आई बट हमें फ्लो समझ में आ गया। अब आगे का पूरा प्लेलिस्ट है वो इसी फ्लो के ऊपर है, हम इसी फ्लो के ऊपर टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ये जो यहाँ पे फ्लो है पूरा का पूरा, हम प्री प्रोसेस करने के ऊपर 5-6 वीडियोस करेंगे, हम ईडीए के ऊपर काफी वीडियोस करेंगे, फीचर सिलेक्शन के ऊपर, स्केलिंग के ऊपर काम करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल सिलेक्शन के ऊपर काम करेंगे, मॉडल को इवैल्यूएट करने के ऊपर काफी वीडियोस होंगे, मॉडल को डिप्लॉय करने के ऊपर काफी वीडियोस होंगे। सो इसी फ्लो को ही पकड़ के हम लोग 100 डेज काम करने वाले हैं एंड दैट इज वाई टूडेज वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप आपको इस पूरी चीज के साथ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कल से हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, हाउ टू फ्रेम अ प्रॉब्लम, ठीक है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है? ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डेटा गैदरिंग के ऊपर काम करेंगे अगले सबसीक्वेंट वीडियोस में। सो या आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो गाइज प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।